को कुछ कुछ न्यूज छूट गया था तो वो देख लीजिए। 2021 का डूरंड कप हुआ है। इसमें ये क्या मतलब, इसमें ये हुआ था कि ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। 138 एडिशन था इसका। और FC गोवा वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्टिंग का दोनों का मैच था, जो हमारे इसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, स्टिल न्यूज था तो देख लीजिए। तो इसमें किसकी कौन विनर रहा? FC गोवा रहा है विनर, ठीक है, 1-0 से डूरंड कप। नेक्स्ट है GST कलेक्शन पे, शायद क्वेश्चन दे दे, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे इकोनॉमी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देते ही रहता है। तो GST कलेक्शन जो है वो अभी 1,17,010 करोड़ रुपए की हुई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तो जो भी पहला होता है वो हम लोग पढ़ते ही हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो संगठित खेती करने वाला, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला, ऑर्गेनाइज तरीके से दालचीनी की खेती की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, और ये फर्स्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये भी नोट दिया हुआ था कि दालचीनी का मेन जो प्रोड्यूसर है वो श्रीलंका है, और छोटे छोटे कंट्री, छोटे 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 अमाउंट में भी प्रोड्यूस होता है। कहाँ कहाँ? सेशेल्स में, मेडागास्कर में, और इंडिया में भी होता है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये दो मिशन है जिसको जिसका सेकेंड वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका क्या है, इसका थीम क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाना, गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर बनाने के लिए इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च हुआ है। अमृत यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको मतलब एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका हो सकता है कि कभी फुल फॉर्म में पूछ ले। ठीक है, तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और चीज था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए लेकिन न्यूज है तो देख ही लीजिए। स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर, इसके हेड हैं संजय भार्गव, इनको चुना गया है, संजय भार्गव को लोकप्रिय बरदोलोई पुरस्कार। ठीक है, तो इस पुरस्कार का ये जो अवार्ड होता है, इम्पोर्टेंट अवार्ड एग्जामिनेशन के लिए, हमारे अवार्ड्स भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी तो नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हुआ है, सॉरी नोबेल प्राइज सारा अनाउंस हुआ है, तो वही हमारे एग्जामिनेशन के लिए इस बार इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो उसको देखेंगे। लेकिन ये वाला भी देख ही लीजिए कि आखिर होता क्या है, कि कभी ऐसे पूछ दे कि ये वाला अवार्ड किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ध्यान रहेगा। लोकप्रिय बरदोलोई पुरस्कार ये दिया गया है प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ को, और ये क्या है, ये कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलांग शाखा के ये मैम चेयरपर्सन है। ठीक है, और तो इनको ही मिला, इन्हीं के ट्रस्ट को, इन्हीं के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी को मिला है बरदोलोई पुरस्कार। और इसमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें 5 लाख अमाउंट मिलता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक शॉल भी दिया जाता है। तो ये बरदोलोई पुरस्कार लेखक निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 अक्टूबर के कुछ बचे खुचे न्यूज थे, अभी 6 हम लोग देख लेते हैं। सिक्स और सेवेंथ का देख लेंगे अभी। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, और पहले ये वर्ल्ड वाइड नहीं मनाया जाता था, वर्ल्ड वाइड बाद में मनाया जाने लगा, 2019 से वर्ल्ड वाइड मनाया जाने लगा। पहले क्या था, 4 कंट्री कॉटन फोर के नाम से जाना जाता था, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली, ये चारों मिलके मनाते थे, कॉटन को प्रमोट करते थे, कॉटन का प्रोडक्शन कल्टीवेशन ये सबको ये प्रमोट करते थे, अवेयरनेस ये करते थे। बट इसको फिर वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया 2019 में, और उसके बाद से हम लोग सब पूरा वर्ल्ड इसको मनाता है। तो यहाँ पे ये WTO के द्वारा किया गया, इसलिए WTO न्यूज में आ गया, तो इसके इसके लिए हम लोगों को इसका डिटेल भी लेना ही चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है WTO का,
1 जनवरी 1995 में, और अभी जो इसके डायरेक्टर हैं वो है नागोजी इवियाला, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सबके जो हेड होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। फिर ये है अरविंद त्रिवेदी, और ओबिचोरी भी हम लोगों को करके ही जाना है। ओबिचोरी पे भी क्वेश्चन रहता है, किसी का डेथ हुआ है और वो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो उनका नाम पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि वो क्या करते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई बुक्स, अगर कोई बुक बुक लिख दी है तो वो बुक का नाम पूछ लेगा, तो इस तरीके से। तो ये अरविंद त्रिवेदी कौन है, रामायण में इन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, तो उनका डेथ हो गया है। तो अभी ऐसे पूछ सकता है कि रावण के कोई बहुत सारे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर का डेथ हुआ, उनका नाम बताइए, तो अरविंद त्रिवेदी ऐसे हो सकता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो है ये क्या करता है, ये क्रेडिट जो रेटिंग होती है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो इंडिया को नकारात्मक में रखा गया था, नकारात्मक कैटेगरी में रखा गया था, बट इसको फिर अभी अच्छे अच्छे बिजनेस या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं तो फिर चेंज होते रहता है, स्टेटस चेंज होते रहता है, तो नकारात्मक से अभी सुधार वाले कैटेगरी में इसको डाल दिया गया। नेक्स्ट है एक, जैसे हम लोग जीआई टैग पढ़े थे अभी तक क्या क्या जीआई टैग तीन पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़े हैं, कोई अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए। अभी तक वाले जो जीआई टैग दो तीन पढ़े हैं ना, तीन पढ़े हम लोग, तीनों का नाम बताइए, कोई एक बताइए। नागालैंड का कुकुम्बर को मिला है, और असम को मिला है वो शराब के लिए, क्या है वो डिमोस नहीं कुछ करके है, नाम भूल रहा है मैम उसका, नहीं भूलना था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नहीं ऑप्शन आएगा तो पकड़ लेंगे। और अभी जो ये मैम ये पाल घाट ना है, पाल घर कुछ लिखे हैं, ये एमपी में शायद चावल को मिला है। और एक बताए थे उस दिन, और एक मिला है गोवा के मिर्ची, नागालैंड की मिर्ची मिला, नागालैंड के कुकुम्बर तो वो बोली थी मैम, राजस्थान के मेहंदी को मिला, हाँ राजस्थान के मेहंदी, सौरात मेहंदी को भी मिला है, सुहात में, ठीक है। तो ये क्या है, पालघर जिले को वाडा चावल के लिए जीआई टैग मिला है, झीनी चावल बोला जाता है, झीनी चावल को टैग मिला गया मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा, आप क्या बोल रही हैं, मध्य प्रदेश में है पालघर, महाराष्ट्र में है ना पालघर, पालघर महाराष्ट्र में पड़ता है, वड़ा चावल जीआई टैग, हाँ ये महाराष्ट्र वाला, हाँ तो ये झीनी चावल वाडा चावल को जीआई टैग मिला है। बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ से एसोसिएटेड है, ठीक है, कौन से जगह से एसोसिएटेड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जीआई टैग का दो तीन नाम दे देगा और इनमें से कौन सा है, ऐसे करके पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आंध्र सरकार ने शुरू किया है स्वच्छ कार्यक्रम, ठीक है। तो ये इसको हम ये नहीं किया, मेंशन नहीं किया अंडर कॉमा, लेकिन ये स्वच्छ कार्यक्रम का नाम ही है स्वच्छ, और ये क्या है, ये विमेन या फिर फीमेल लोगों में जो पर्सनल हाइजीन है उस चीज़ को, उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो स्टेट वाला जो है उसमें पूछ सकता है कि स्वच्छ कार्यक्रम किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये आंध्र सरकार आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट है ISSF जूनियर चैंपियनशिप, इसको कौन किसके द्वारा जीता गया है, तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह के द्वारा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले असम ने लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मछली को कॉमर्स मतलब ई साइट के थ्रू भी, मतलब जो ये सब जैसे फ्लिपकार्ट ये सब होता है उसके थ्रू भी ये प्रमोट किया जाएगा, कहाँ पे, असम में, और ये जो ऐप के थ्रू किया जाएगा उसको फिश वाले बोल, उसका नाम है फिश वाले, ठीक है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मछली का बाजार को प्रमोट किया जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले बार हो रहा है, असम में हो रहा है, ठीक है। तो यही सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, जो कुछ छूटा होगा फिर हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, ठीक है ना, सब लोगों को ध्यान आ गया ना सारा इम्पोर्टेंट न्यूज, अब पूछते हैं क्वेश्चन।
ठीक है ऋतु, ऋतु आप बताइए जीएसटी कलेक्शन। मैम 1.17 लाख। कितना? 1.17 लाख। हाँ ठीक है, लेकिन ना क्योंकि बीपीएससी ऐसे करेगा ना, बीपीएससी को बहुत मतलब ऐसे एकदम क्लोजली मतलब क्लोज रिलेटेड ऑप्शन दे देता है और उसको रॉन्ग कर देगा, तो इस फिगर को याद करने का कोशिश कीजिएगा। 1.17010, 1,70,000, 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है ममता, आप बताइए कि दालचीनी का संगठित खेती कहाँ पे स्टार्ट किया गया इंडिया में सबसे पहले बार, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और दालचीनी का मुख्य उत्पादक कौन है, आप ही बताइए ममता। नहीं श्रीलंका। ठीक है श्रीलंका, अब छोटे, अब आप इतना टाइम लगा रही थी, अब आप छोटे उत्पादक का नाम भी बोले। नहीं बोले मैम कि याद नहीं है तो बोले, क्योंकि लाइट इधर कटा हुआ है और बस सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं ऑन है आपका। ठीक है, लेकिन पीडीएफ भी तो हम भेजी थी इतने टाइम में। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा कोई बात नहीं, छोटे उत्पादक में से सिलीज, मडागास्कर और भारत है, और मुख्य उत्पादक हो गया वही जो आप बोली है श्रीलंका। रमेश आप बताइए, अमरुद का फुल फॉर्म बताना है आपको। अमरुद अटल से शुरू है, पूरा तो याद नहीं। अटल अमरुद सुबह में याद हो जाएगा मैम, सुबह में याद हो जाएगा, अभी नहीं ध्यान है। बताइए कौन बताएगा, चलिए अनुभव आप बताइए। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। ऋतु आप बताइए, लोकप्रिय बरदोलोई पुरस्कार किसको मिला है? नाम याद नहीं आ रहे। अच्छा आसपास का न्यूज बता दीजिए, जल्दी करिए, अब खत्म करना है। क्या था? मैं आसाम से रिलेटेड हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है आप बताइए अनुभव, आप बताइए। मैम नीरज कुमार द्वार थे, वो कस्तूरबा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के असम के ब्रांच को जो है उनको 5 लाख रुपए राशि दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया, एक फॉर्म। ममता आप बताइए, स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? चली गई है सब लगता है। रमेश आप बताइए, स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य? आंध्र प्रदेश। ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। ऋतु आप बताइए, ई मछली बाजार वाला जो ऐप है फिश वाले, कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया है? सुनना नहीं है ना, सुनना भी नहीं है, पीडीएफ भी नहीं खोल के देखना है। अनुभव बताइए, अनुभव को तो सब याद रहता है। असम। ठीक है असम, हाँ असम का ये ऐप है और नाम है फिश वाले, और उससे फिश वाले से तो पता चल जाएगा कि क्या प्रमोट कर रहा है, फिशिंग फिश का मार्केट को प्रमोट कर रहा है। तो यही था इम्पोर्टेंट, और सुबह के लिए रेडी रहिएगा आप लोग, हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं और बायोलॉजी भी अभी तक का जितना हुआ है वो पूछ सकते हैं, और हिस्ट्री तो पूरा पूछ सकते हैं, जिनको एंशियंट नहीं पढ़ाया गया उनको एंशियंट भी पूछ सकते हैं, तो पढ़िए है।
ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा, सुबह मिलते हैं। फाइव, जो फाइव पाँच बजे नहीं भी उठ पाता है ना, 5:15, 5:30, 5:45 तक उठ के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नहीं कि सुबह में नहीं हुआ तो, एकदम शुरुआत में नहीं हुआ तो नहीं आए, मतलब कभी भी ज्वाइन कीजिएगा, जो जब आएगा उससे तब हम पूछ लेंगे, ठीक है, किसी का ये नहीं वेस्ट नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं सेशन यहीं पे। गुड नाइट।